हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर एस के सिंह। आई हैव डन माय एमबीबीएस फ्रॉम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। आज इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करेंगे कि बीडीएस करना अच्छा है या बीएएमएस करना अच्छा है या बीयूएमएस करना अच्छा है या बीएससी नर्सिंग करना अच्छा है। देखिए, हर फील्ड अच्छे होते हैं, कोई भी बुरा नहीं होता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसी भी फील्ड को बेहतर कैसे बना सकते हैं। एमबीबीएस भी अच्छा होता है, बीडीएस भी अच्छा होता है, हर चीज़ अच्छा होता है। आप पर निर्भर करता है कि आप उस फील्ड में कितना एक्सेलेंस प्राप्त करते हैं और उस फील्ड को कैसे बेहतर बनाते हैं और अपने आप को कैसे बेहतर बनाते हैं। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं, ये सारे प्रोफेशनल चीज़ें हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, और प्रोफेशनल कोर्सेज का एक ही थंब रूल है कि आपको कितना ज्ञान है। आपको पेशेंट की डीलिंग आनी चाहिए, पेशेंट की केयर आनी चाहिए, और पेशेंट और क्लिनिकल चीज़ें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप इन सारी चीज़ों में अच्छा कर पाएंगे। बट होता है ना कि इनमें से भी अच्छा कौन है। हर चीज़ के प्रॉन होते हैं, कॉन्स होते हैं, तो हो ना हो, कोई ना कोई इनमें से सुपीरियर हो सकता है, कोई इन्फीरियर हो सकता है। तो नीट 2023 या 24 या जो भी आप नीट देते हैं, जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे फंस जाते हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता है, 2 या 3 साल ड्रॉप ले चुके होते हैं और वो चाहते हैं कि मैं कुछ एक अच्छा कोर्स कर लूं, एमबीबीएस मुझे नहीं मिल रहा है तो कुछ उससे रिलेटेड कुछ अच्छा कर लूं, तो उनके लिए सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। अगर जो बच्चे बिल्कुल डिज़ायर हैं कि मुझे एमबीबीएस ही करना है, एमबीबीएस के अलावा कुछ भी नहीं करना है, तो उनके लिए एक ये वाला कोर्स पार्शियल ड्रॉप के फॉर्म में बेहतर सजेशन मैं कहूँगा कि आप इनमें एडमिशन ले लीजिए। और मैं आगे डिटेल में बात करूंगा कि इनमें क्या क्या, कितने कोर्सेज होते हैं, कितना समय लगता है, कब कॉलेज जाना होता है, क्या स्कोप होते हैं, फ्यूचर प्लान क्या हो सकता है, फ्यूचर में कितना स्कोप है, पूरा डिटेल में बात करूंगा। तो पूरे एंड तक इस सेशन को देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपने नीट दिया है और आप चाहते हैं कि मैं एक पार्शियल ड्रॉप ले लूँ, तो इसको ऑप्ट कर सकते हैं और आप नीट की तैयारी करिए, अगर आपने ड्रीम एमबीबीएस को चूज़ किया है तो। अगर आप प्लान बी पे भरोसा करते हैं और आप मान चुके होते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैंने मेहनत किया बट मुझे सही से उतना आउटकम नहीं मिल पाया, है ना, सही से बेहतर रिजल्ट नहीं मिल पाया, तो मतलब कि आप इसमें भी अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए बारी बारी से हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है वो बीएएमएस और बीएचएमएस में होता है। बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें। और एक होता है बीयूएमएस, यूनानी वाला होता है ना, तो इनमें कंफ्यूजन रहता है। तो इन तीनों में कंफ्यूजन रहता है, इन तीनों में कौन सा बेस्ट है। बेस्ट कैसे निर्धारित होता है, बेस्ट निर्धारित होता है इस पे, स्कोप क्या है और फ्यूचर इसका क्या है, उस पे बेस्ट निर्धारित होता है। अगर आपने इन तीनों में से कोई एक किया है तो उसका क्या स्कोप है आगे जाके, और उसका स्कोप यानी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, या पेशेंट का इनफ्लो कितना है, कितना आप अर्न कर सकते हैं, क्या स्टेबिलिटी है, उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बीएएमएस। इसका ड्यूरेशन 5.5 साल का होता है और बीएचएमएस का भी इतना ही ड्यूरेशन होता है और इसका भी यही रहता है, राइट। सिलेबस की बात करें तो बीएएमएस में आपको मॉडर्न जो एमबीबीएस में पढ़ाया जाता है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में आपको आयुर्वेद का भी साथ में पढ़ना होता है, और यहाँ पे मॉडर्न आपको पूरा का पूरा पढ़ना होता है। जैसे आप एमबीबीएस के बाद नीट पीजी देते हैं, एमडीएमएस का चयन करते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर स्कोर आपको पीडियाट्रिक्स मिलेगा, मेडिसिन मिलेगा, सर्जरी मिलेगा, ऑर्थोपेडिक्स मिलेगा, ऐसे ही आप यहाँ पे एमडी और एमएस का भी चुनाव कर सकते हैं, नीट पीजी का दे सकते हैं। अब हम चलिए, ये तो एक जनरल चीज़ें होती हैं और आप इंटरनेट पे भी सर्च करके कर सकते हैं। आप वीडियो देख रहे हैं, इतना समय दे रहे हैं, तो आपको ये वाला चीज़ इंटरनेट पे जल्दी से नहीं मिल पाता है, स्कोप और फ्यूचर क्या है। तो आज के सिनेरियो में इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो स्कोप है वो बीएएमएस का है। अगर कोई बच्चा मेरे से पूछता है कि मुझे बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस का चयन करना है, तो मैं उसको स्ट्रांगली ये बोलूँगा कि आप बीएएमएस करें। ऑल्दो ये दोनों ही अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि बुरा है, बुरा कोई भी नहीं है, बट होता है ना कि किस किस का ज़्यादा स्कोप है, जिसका जिसका फ्यूचर कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, सिक्योर है,
तो वो BMS का है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि भारत में बहुत सारे आयुर्वेदिक संस्थान खुल रही हैं, उसमें स्कोप और ज़्यादा है, आप उसमें जाके पढ़ा सकते हैं, उसमें जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारा चीज़ है। तो मैं यहाँ पे BAMS का स्कोप इन दोनों से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसलिए मैं स्ट्रांगली कहूँगा कि आप इसका चयन कर सकते हैं। अब बात आती है BDS और BSc नर्सिंग में, तो देखिए ये भी बहुत मतलब 5.5 साल का होता है, 4.5 साल का होता है, और मतलब कि एज अ डॉक्टर मैं बात करूं कि दोनों अच्छे विकल्प हैं। लाइफ में कोई ना कोई एक बार डेंटिस्ट के पास यार जाता ही जाता है, डेंटिस्ट भी बहुत कमाल के होते हैं और बहुत अच्छा अर्न करते हैं। बट अगर आप मेरे एक छोटे बहन भाई होते तो मैं आपको BDS नहीं सजेस्ट करता, आपको BSc नर्सिंग करता, क्योंकि मैंने हॉस्पिटल में काम किया और देखा है जो नर्स कितना काम करती हैं। नर्स का मतलब ये नहीं होता कि खाली वो फीमेल होती हैं, मेल भी होते हैं और बहुत सारे होते हैं। तो इनका एक तो जो ड्यूटी आर है, जो ड्यूटी आर्स है वो फिक्स रहता है ना, ड्यूटी आर्स फिक्स रहता है, ड्यूटी आर आपका फिक्स रहेगा कि आप 6 घंटे ही काम करोगे, ठीक है, 6 आवर ड्यूटी आर फिक्स होता है। मैं गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूँ कि ये आपने BSc नर्सिंग करा और BSc नर्सिंग करने के बाद अगर आपने गवर्नमेंट में अप्लाई किया और आपका सिलेक्शन वहाँ हो जाता है तो आपको गवर्नमेंट जॉब लग सकता है, ड्यूटी आर फिक्स रहेगा, पहली बात। दूसरी बात कि सैलरी जो होती है काफ़ी डिसेंट होती है, मतलब ऑलमोस्ट एक डॉक्टर के बराबर होती है, जो डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं ऑलमोस्ट, मतलब इसकी सैलरी अगर मैं बात करूँ कि 50 से 60 हज़ार पर मंथ के हिसाब से सैलरी हो सकती है, ठीक है। BDS भी बहुत अच्छा है कि अगर आपका खुद का क्लिनिक हो, पेशेंट इनफ्लो ज़्यादा हो, आप अच्छे आपने MDS किया है, अच्छा है, तब भी आप इससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। बट जिनका मतलब कि पहले से सेटअप नहीं है, पहले से फादर मदर डॉक्टर नहीं है, उनको BSc नर्सिंग ऑप्ट कर लेना चाहिए, दैट्स अ ग्रेट ग्रेट, इनमें से बहुत ज़्यादा आजकल अपॉर्चुनिटी है। कोई ना कोई आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आपको जॉब लग सकता है ना, BDS में भी प्राइवेट में होता है, बट थोड़े से स्कोप वाइज ये थोड़ा डाउन हो रहा है आजकल, तो BSc नर्सिंग आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो आपको सारा चीज़ पता चल गया है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगता है, ताकि आपकी भी मन के बारे में जान सके। वीडियो कैसे लगे उसकी प्रतिक्रिया एक थम से, एक लाइक से जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।